एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो फ्रेंड, हेलो गाइस, आपका भाई लेकर आ चुका है एक और न्यू वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा मनोज दे के बारे में। गाइस, आप तो जानते होंगे मनोज दे कौन है, कितने बड़े क्रिएटर से हैं वो, तो मैं आज उनके बारे में बताऊंगा उनकी कौन सी फर्स्ट वीडियो जो मनोज दे चैनल पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनके 50K सब्सक्राइब गेन हुए थे। तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। और गाइस, आपको यही बताऊंगा कि उनकी फर्स्ट वीडियो कैसे वायरल हुई थी और कौन सी थी, मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। जी 5/2015 और जो 7/2015 अपग्रेड है या नहीं, तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब रेड कलर का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आगे भी टेक्निकल से जुड़ी हर वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि 7.0 अपडेट आएगा या नहीं। पहले उन दोनों फ़ोन का फीचर्स देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग J5/2015 का फीचर्स के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ये देखिए, इस साइड में आप देख रहे हैं इसका जो प्रोसेसर है 1.2 GHz का है, जो कि ठीक है। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन अभी जो है मार्शमेलो है, इसका रैम जो है 1.5 GB। तो भाई लोग, आपने ये वीडियो देख ही ली होगी। अब मैं अब आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने ये वीडियो वो J7 सैमसंग गैलेक्सी J7 के ऊपर बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी J7 का न्यू अपडेट अब नहीं आएगा, क्योंकि उसकी 2 GB रैम थी और इंटरनल मेमोरी 16 GB थी। इस वजह से उन्होंने बताया था उस वीडियो में कि अभी इस वीडियो में कोई मतलब इस मोबाइल में कोई अपडेट नहीं आएगा। और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ये जिसपे कई लोगों ने हेटेड कमेंट्स भी करे थे। इस वजह से उन्होंने दूसरी इसी के ऊपर से दूसरी वीडियो बनाई थी, ये जिसमें उन्होंने बताया था कि अब गैलेक्सी J7 में भी न्यू अपडेट आएगा। तो भाई, उनकी ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। भाई जो रिसेंट लोगों ने पसंद किया था कि इसके बाद उनका चैनल इतना ग्रो हुआ कि जिसके बाद आज आप देख सकते होंगे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और आज उनका करियर कितने आगे बढ़ चुका है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।